Right now, time for the testing, ये देखें। थैली नहीं खुली तुमसे करोगे क्या जिंदगी में तुम? हरी मिर्ची लेनी है, प्याज ले ली है, मटर भी घर पे पड़े हुए, आलू ले लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ फूड स्टफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आपका हसीन भाई एक दफा फिर एक और हसीन के साथ ब्यूटीफुल भाई। आज मुगल साहब का जो है ना वो अजमान की डायनेस्टी में, अजमान की दारुल खिलाफा में, यानी हमारे घोंसले में आखिरी दिन है। तो ये जो है अपने काम धंधे पे चले जाएंगे, अपनी साइट पे चले जाएंगे। तो आज हम प्रिपेयर करेंगे लास्ट डिनर फॉर मुगल्स। इंशाल्लाह ताला बनाते हैं। अच्छा, अमूमन तो जो है ना ये बनाते हैं बड़े मजे मजे के खाने, लेकिन मैंने आज बेड़ा उठाया कि आई विल कुक। तो सब्जी बनाएंगे, क्या बनाएंगे ये जाके देखेंगे, क्या लेते हैं और क्या बनता है और फिर क्या आपको दिखाते हैं। वीडियो में साथ रहिए। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अबराज अल मदीना। दिस इज अनदर सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट। सफीर जितनी बड़ी नहीं है बट बड़ी ज़बरदस्त है। तो वहीं से ग्रोसरी करेंगे, सारी सब्जी वगैरह, तेल पानी जो भी लेना है लेंगे और फिर उसको प्रिपेयर करेंगे। ट्रॉली ले, छोटी वाली ले, तरफ से आ जाओ। सारा सेक्शन जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, ये वाली आइल भी, इसके पीछे वाली भी, उस तरफ वाली भी, सब जगह जो है वेजिटेबल्स मिलनी है डिफरेंट टाइप्स की एज यू विश। इंडियन पोटैटो है और रेड अनियन है, मुख्तलिफ प्राइसेस पे मुख्तलिफ रीजन्स के जो है ना वो वेजिटेबल्स आपको मिल जाती हैं। रेड अनियन 3.50 पर केजी। प्याज दे रहा है, प्याज का सालन बनाएगा क्या? बाद में भी काम आएगी ना, स्टॉक हो जाएगी। आलू की जाने बाजो, उधर से ले रहे हैं ना बैग। ये ले लेते हैं आलू, कौन से हैं ये? लबनान वाले हैं। और ये जो हैं रेड पोटैटो हैं, ये 5 दरम है और ये 4 दरम। सो वी गोना टेक दिस, थोड़े साफ साफ लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। हरी मिर्ची लेनी है, प्याज ले ली है, मटर भी घर पे पड़े हुए हैं, आलू ले लिए, मिर्चें थोड़ी लेना घर पे भी पड़ी हुई हैं कि वो जो ये टेढ़ी मेढ़ी है ना वो हटा दियो, सूखी हुई हैं, लाल लाल हो रही हैं। तो आलू ले लिए हैं और मिर्चें ले ली है, प्याज ले ली है। भाई गोभी भी तो लेनी है, वापसी आ जाओ। गोभी 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 हरी गोभी, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। तो हमें बंद गोभी नहीं लेनी, फूल गोभी लेनी है। फूल गोभी में कोई छोटा फूल निकाल लो, ये सही है, वो बड़ा हो जाएगा बहुत। ये वाला सही है। थैली नहीं खुली तुमसे करोगे क्या जिंदगी में तुम? तो ये आगे सारी सब्जी अब इस पर लगवाते हैं। टैग इधर से ही आ जाओ। तो सब्जी वगैरह सारी ले ली है, अब लेना है ऑयल और वही लेना है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी मौजूद है ऑयल की। ये देखें आप, ये रहा लहसुन और लहसुन के बराबर में ये सारा शेल्फ है ऑयल का। सनी सनफ्लो, ये वाला तो फ्राइंग के लिए होता है, ये वाला नहीं लेना है। ये वाला यूज़ करते हैं ना हम लोग, ये वाला यूज़ करते हैं, नूर यूज़ करते हैं। नूर है, नीचे प्राइसेस दिखी हुई इनकी। नवार है, नूर नहीं, नवार। नवार जो है वो 11 दरम का है और हयात जो है वो 9.5 दरम का। सो वी विल गो फॉर द नवार। हाँ, तो अब दूध रह गया है, दूध लेना है। ये देखें, ये यहाँ पर अबराज अल मदीना का जो है ना सारा बेकरी स्टफ, बिस्किट्स और केक्स वगैरह यहाँ पर मिलते हैं। और यहाँ से जब आप आगे जाते हैं तो आगे आ जाता है सारा डेयरी आइटम्स, जूसेस वगैरह। डेट देख लेना वाला लेते हैं हम लोग, मिल्क, अली फ्रेश मिल्क। लेट्स चेक द डेट। ठीक है, तो जितने भी आइटम्स थे जो कि डिनर के लिए चाहिए थे वो सारी चीज़ें ले ली हैं, दूध भी ले लिया। अब चाहिए पम्प, क्योंकि जो बड़ा गैलन होता है पानी का उससे पानी पंप करके निकालने के लिए, पंप नहीं है तो वो परेशानी का सामना था, पंप ले देते हैं। किधर मिलेगा पंप? जो सेक्शन है ये सारा यूटेंसिल्स का सेक्शन है। ये देखिए, बर्तन शर्तन आपको जो भी चाहिए, स्टील के और कांच के जो भी बर्तन चाहिए वो सारे यहाँ मिल जाते हैं। फ्राइंग पैन, क्रशर्स वगैरह सब। ये देखें यहाँ पर सारे वाइपर्स, मॉप्स और हाउस होल्ड आइटम जितना भी है ना वो सारा यहाँ पर मिल रहा है। क्लीनर्स, गैराज का सामान और ब्ला 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 ब्ला, ये ताले वाले आ गए सारे। मिल्ला मालिक, पंप चाहिए, पंप नहीं मिल रहा, पंप ढूंढो, पंप कहाँ है, किसी से पूछ लो। छोटा सा क्लोथिंग सेक्शन है, टी शर्ट्स वगैरह, कैप हेड, शूज वगैरह, ये भी सारे मिल ही रहे हैं। तो यहाँ की जो सुपर मार्केट्स होती हैं या हाइपर मार्केट होती हैं उनकी खास बात ये है कि वो वन स्टॉप होती हैं, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखें, ये स्टेशनरी का सेक्शन आ गया सारा, फ्रॉम ईटरी टू क्लोथिंग टू हाउस होल्ड आइटम्स टू गिफ्ट शॉप, ये सारे टॉयज आ गए। तो सब कुछ मिल जाता है एक ही जगह। वी गॉट द पंप फॉर द वाटर बॉटल, मिला भी सेम कलर है पुराना। ये सही है, ये ले लो। ले लो ये वाला, जो नहीं लेना है वो स्कॉच ब्राइट लेना है, जो वो फोम वाला होता है ना। नहीं भी बोल रहे थे ना। नहीं, वही फोम वाला बोला था उन्होंने, ये वाला ही लेना है। लेकिन उसका जो वो चौड़ा वाला जैसे घर पे रखा हुआ है ना वो वाला दिख रहा है कहीं? ये नहीं, डिफरेंट ब्रांड है यार, छोड़ो। अभी याद आया, वो भी लेना है डिश क्लीनर, फेरी का। वो डिश क्लीनर ढूंढो, लेकिन वो उन्होंने बोला था अरसलान भाई ने कि फेरी वाला ही चाहिए, वो बेस्ट होता है। वो देखो किधर है, डिश क्लीनर, डिश क्लीनर, डिश क्लीनर। ये तो टॉयलेट क्लीनर रखे हुए सारे, डिश क्लीनर नहीं है, फेरी वाला। हाँ, इसका ग्रीन वाला ही लेना, ये ले लो। इस द शैम्पू एंड लोशन सेक्शन और ये सारे साबुन, साबुन सेक्शन है ना अबराज अल मदीना का। ये मेरा फेवरेट सेक्शन है क्योंकि यहाँ स्पाइसेस तो मिलते ही हैं लेकिन यहाँ ये भाई भी होते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। ड्राई फ्रूट्स, स्पाइसेस, कैंडी, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, बिल्कुल बेहतरीन क्वालिटी। टू चेक आउट,
तो भैया सामान हमने सारा ले लिया है एंड नाउ द रिमेनिंग प्रोसेस इज कि हम कैसे बनाते हैं और क्या बनाते हैं और उसकी शक्ल कैसी होती है और जायका कैसे होता है, तो सब आपको दिखाएंगे। स्टे विद अस। सो नाउ वी आर गोना स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग। तो डिसाइड ये किया है कि वी आर गोना मेक गोभी, आलू एंड मटर। अब आप बोलोगे मटर का है, मटर तो नजर नहीं आ रहा, तो मटर ये रहे मटर, ये पहले से रखे हुए थे हमारे पास। सो वी आर गोना यूज दिस। मटर आ गया, ये आलू आ गए, ये गोभी आ गई, ये प्याज आ गई, टमाटर भी फ्रिज में ही मौजूद है, टमाटर भी निकाल लेते हैं। टमाटर ये रहे टमाटर, तो ये हम निकाल लेते हैं। तीन टमाटर आई थिंक ये बहुत होंगे, वो रखी हुई मिर्चें। तो सामान तो अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई ने पूरा जमा कर लिया। सबसे पहले मैं आलूओं को पील करूंगा, फिर इनको काटूंगा, फिर प्याज को काटूंगा, फिर मटर को सेपरेट करूंगा, फिर टमाटर काटूंगा, फिर गोभी के पीसेस करूंगा और फिर उसके बाद का प्रोसेस आपको दिखाऊं। सीन इज दैट के सारी सब्जी कट चुकी है, ये देखें आप, गोभी क्या खूबसूरत काटी है आपके भाई ने, गोभी और साथ में आलू बारी बारी, और मटर तो खैर फ्रोजन थे ही, चिले चिलाए, और हमें मुगल साहब ने ज्वाइन कर लिया है। मुगल साहब ये क्या हो रहा है? आलू फ्राई हो रहा है। हाँ, क्योंकि अभी खाना बनने में टाइम लगेगा, तो जब तक के लिए कुछ स्नैक्स चाहिए, तो हमने बोला कि आलू को, वैसे भी एक आलू ज्यादा छिल गया था, तो उसको गोल गोल काट के फ्राई कर लेते हैं। इसको वो ले आओ, वो पलटने वाला ना, उससे पलट पलट के ताकि सब तरफ से गोल्डन हो जाए। ये प्याज काट दिया मुगल साहब ने, और ये बचे हुए आलू जो फ्राई करेंगे। बाकी ये सब्जी अब इसको बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद फिर मसाला बना के तो ये सारी सब्जी मिला के, और जो ग्रेवी तैयार होगी, जो खुशबू आएगी, ओए होए 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 होए, क्या गोल्डन कलर आया है। मुगल साहब आलू पलटते हुए डर रहे हो यार आप? मुगलिया सल्तनत के आखिरी चश्मो चराग हमारा छलकते हुए तेल से डर रहा है। दोनों तरफ से हो जाएंगे ना। वैसे जो सादे खाने होते हैं ना, सिंपलिसिटी इज बेस्ट, सादे खानों का जायका अलग होता है। आप आलू काटो, उसको हल्के से ऑयल में फ्राई कर लो, नमक काली मिर्च छिड़क के खाओ, तो मजा ही अलग आता है। कोई जरूरत नहीं है कि बहुत लवाजमात हो, ये मसाले वो मसाले, सादे में भी बहुत मजा है। कि जो सब्जी हमने रेडी की थी काट कूट के, उसको चढ़ा दिया पानी के साथ उबलने के लिए, ताकि ये हाफ डन हो जाएगी, तो इसको फिर ड्रेन आउट कर लेंगे और फिर इसी यूटेंसिल में, इसी पतीली में जो इसका मसाला तैयार करके, फिर वो सब्जी इसमें मसाले में मिलाएंगे, और जो उसके ऊपर सारी कारीगरी होगी वो आपको दिखाएंगे, और फिर आप बताइएगा कि आंखें क्या कहती है। जायका तो हम ही चख सकते हैं, आप भी चख। ये आ गए जी आलू फ्राई होके बाहर। ओए होए होए, कलर देखो आप, क्या गोल्डन गोल्डन है। ये आपके गोल्डन गोल्डन क्रिस्पी क्रिस्पी आलू तैयार हो गए हैं, जो कि फिल वक्त के लिए स्नैक है। तो इसके ऊपर हम थोड़े सा नमक डालते हैं ऐसे करके, और थोड़ी सी डालते हैं काली मिर्च। ये आ गई काली मिर्च। मुगल साहब जी भाई, को आप एंजॉय करो, एंजॉय जब तक हम बाकी का प्रोसेस करते। जो भी वेजिटेबल्स थी ना, उसको हमने हाफ डन करके ड्रेन कर लिया है, यहाँ पे ड्रेन नहीं किया, खैर अभी उसी पानी में गरम गरम, और साथ में यहाँ पर जो है मुगल साहब लहसुन के साथ तिया पाचा कर रहे हैं, तो लहसुन की पीसेस हो जाएंगे। और यहाँ पर हमने पतीले में प्याज और टमाटर डाल दिए, इसमें लहसुन डाल के, ऑयल डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। जब ये इसमें कलर आ जाएगा, तो फिर हमको इसमें थोड़ी दही डाल के और सारे मसाले डाल के मसाला तैयार करें, वो ग्रेवी बन जाएगी। तो फिर उसमें ऐड करेंगे सब्जी, और फिर उसको अच्छे से भूनेंगे, और जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता तब तक उसको पकाएंगे। तो आई विल शेयर ईच एंड एवरी प्रोसेस विद यू। और ये देखें, होगा भाई? जी जी भाई, होगा। प्रोसेस शुरू हो गया प्याज और टमाटर को सौते करने का। जब ये थोड़े से सौते हो जाएंगे, हल्का सा इसमें कलर आ जाएगा, तो फिर हम ऐड करेंगे ये गार्लिक यानी कि लहसुन, क्योंकि लहसुन जो है वो जल्दी कलर पकड़ लेता है, जबकि प्याज को और टमाटर को मसाला बनने में टाइम लगता है। प्याज और टमाटर और जो लहसुन था उसका अच्छा सा मसाला बन गया। अब इसमें हम दही ऐड कर देंगे, और दही ऐड करने के बाद फिर बाकी जो मसाले होते हैं, रेड चिली पाउडर और नमक वगैरह, वो सारे ऐड करेंगे। जब वो एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी ना, फिर ऐड करेंगे उसमें ये सब्जी जो हाफ डन हुई है। लेकिन आप देखें क्या शक्ल आई है मुगल साहब मसाले की। आ गई इसके अंदर भैया दही, और डालो और डालो, दही से तो ग्रेवी बनेगी भाई। दही की दही डालने के बाद आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, क्या जबरदस्त इसकी शक्ल हो गई है। लेकिन अभी इसमें मसाले ऐड होंगे, ये सारे मसाले मैंने लाइन से लगा दिए हैं। इसमें हल्दी है, साबुत धनिया है, नमक है, लाल मिर्च है, और ये क्या है, ये है धनिया पाउडर, गरम मसाला, कुटी मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च और जीरा। भाई इसमें आ गया जीरा, ये आ गया जीरा के बाद आ गई पिसी लाल मिर्च। लगाओ लगाओ लाल मिर्च तो लगाओ, कल कैसी भर के लगाई थी, आ रहा था ना जायका। लगाओ लाल मिर्च, लगाओ थोड़ी और, कुटी भी डाल देते ना। हाँ कुटी भी डालेंगे, थोड़ी सी और लगाओ। ये आ गई भाई भरपूर लाल मिर्च, और ये आ गया इसमें धनिया पाउडर। डालो 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 भाई, नमक डालो जरा भर के एक चम्मच। सब एक टेक्निक हो रहे नमक डालने की। अच्छा, अगर आपको डर हो ना कि नमक मिर्च से ज्यादा हो जाए, तो उसकी टेक्निक ये है कि आप नमक डालने से पहले उल्टे खड़े हो जाएं। उल्टे नहीं खड़े हो जाएं। अच्छा। आप ऐसे करें, उसको थोड़ा सा ही स्मेल करें, सुने और डालें, और फिर ये है कि आपका नमक कभी भी तेज नहीं होगा। ये कहाँ बापा जानी ने बताया था आपने? बापा जानी ने ये
सीरियस में ये मेरा प्रश्न। तो आपने आप चमचा भर के सूंघ लो, फिर भी तो ज्यादा होगा ना यार। नहीं तो वो तो एक ज्यादती हो जाएगी ना यार। सूंघने का लॉजिक तो समझा, सूंघने की लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि आपका नमक ज्यादा नहीं होगा। कैसे भाई, सूंघने से क्या ताल्लुक है भाई? है ताल्लुक, रूहानी ताल्लुक है। रूहानी आ गया साबुत धनिया, ये आ गया साबुत धनिया को क्या क्रश करके डालोगे? तो हम करेंगे क्रश। कैसे करना? अपने नाजुक और मुलायम हाथों से नहीं, थोड़ा मर्दाने हाथों से जोर लगा के इस तरीके से, और हाथ भी साफ होने चाहिए आपके। ऐसा ना हो कि आप गाड़ी चला के आए हो, सही पकड़े हैं, और यहाँ धनिया क्रश कर रहे हो। और ये आ गया धनिया क्रश हो गया है। इसमें पानी लगा और सब्जी डाल दे, बेहतरीन बन गया है। अब जल जाएगा ज्यादा होगा तो। ये आ गई सब्जी, ये हम इसमें उतार देंगे, और वो पड़ी बोतल पानी की, पानी लगाओ इसमें वीआईपी करके। तो पहले थोड़ा सा मिक्स कर ले। अबे टूट जाएगी गोभी सारी? नहीं टूटती, पानी लगाओ खुद ही ऊपर आ जाएगी। और ये आ गया भैया इसमें पानी पानी पानी। चकोर कटे हुए आलू आ रहे हैं, कुछ गोल कटे हुए, ये देख सकते हैं इसकी शक्ल। यहाँ पर ये तैयार हो रहा है बड़ी बेहतरीन। ओ हो खुशबू आ रही है इसमें। कुछ हरी मिर्चें मैंने काट के लगा दी है, कुछ हरी मिर्चें मैं बीच में से काट के इसमें लगा रहा हूँ, के बाद इसको छोड़ देंगे तैयार होने। ये देखें आप, ये जो भाप निकली है ना कैमरे के आगे, भाप आ गई, लेकिन आप इसकी शक्ल देखें, बड़ा जबरदस्त हो गया। बस अब इसका इंतजार है कि ये ऑयल छोड़े, तो फिर ये इसकी एक शक्ल निकल के आएगी वीआईपी सी। मेरे ख्याल में रोटी लेके आ जानी चाहिए, रोटी लानी पड़ेगी। तो ये तो लग तो नहीं रहा, ये नीचे नीचे से हिलाल हो जा रहा है, इसको देख लो लग रहा है भाई। ये देखें भाई साहब, ये तैयार हो गया आपका बेहतरीन किस्म का सालन, आलू गोभी मटर की कातिब साहब स्टाइल सब्जी। इसको करते हैं डिश आउट प्लेट के अंदर। ओए क्या आखिर लुक आ, सो डिलीशियस, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। राइट नाउ टाइम फॉर द टेस्टिंग। ये देखें आप, गर्मा गर्म बनी हुई है गोभी आलू मटर हमारे हाथ से तैयार। ओहो मजा ही आ गया भाई। प्रेजेंटेशन 10 out of 10, टेस्ट 10 out of 10, और गर्मा गर्म जो फ्लेवर आ रहा है ना ग्रेवी, बहुत जबरदस्त। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो आप भी रेसिपी फॉलो करके ट्राई कीजिएगा। मैंने तो ऐसी तजुर्बाती तौर पर बना ली थी, अच्छी बन गई है, नेक्स्ट टाइम मैं भी फॉलो करूंगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कॉमेंट शेयर सब कुछ कर दीजिएगा, ताकि नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जब तक नई वीडियो नहीं आ रही, पुरानी देख के गुजारा कीजिए। खुदा।